नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। मोदी ने लगातार तीसरी बार ली प्रधानमंत्री पद की शपथ, देश विदेश से कई मेहमान हुए समारोह में शामिल। हाई टेंशन लाइन के चपेट में आया डंपर, लगी आग, चालक झटके से बाहर छिटका। महाराणा प्रताप जयंती पर विभिन्न स्थानों पर हुए आयोजन, निकाली यात्रा। सांसारिक मोह त्याग दीक्षा लेकर प्रकाश भाई बने प्रशांत मुनि। बेकू थाना पुलिस ने पकड़ा 256 किलो डोडा चूरा, सहयोग गिरफ्तार, चालक फरार, कार जब्त। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। यह शब्द जैसे ही नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के रायसेना हिल्स स्थित राष्ट्रपति भवन में शपथ के दौरान बोले, वैसे ही भिलवाड़ा ही नहीं पूरे देश भर में बीजेपी की लहर दौड़ पड़ी। समारोह में हर्षोल्लास की ध्वनि गूंज उठी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समारोह में पहुंचते ही पहले राष्ट्रगान हुआ। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। रविवार शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोदी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मोदी के बाद राजनाथ सिंह सहित कई बीजेपी और एनडीए में शामिल सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह से पहले मोदी और राजनाथ सिंह काफी समय तक चर्चा करते नजर आए। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, बांग्लादेश, श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव, नेपाल के राष्ट्राध्यक्ष भी मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे। इसके अलावा कई कॉरपोरेट, फिल्मी, खेल आदि से जुड़ी हस्तियां और देश विदेश के मेहमान शामिल हुए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से
निर्वहन करूंगा। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्य रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शाहपुरा जिले के लसाड़िया गांव के नजदीक सड़क निर्माण कार्य पर लगा डंपर गिट्टी खाली करने के दौरान हाई टेंशन लाइन को छू गया। इसके चलते डंपर में करंट फैलने के बाद आग लग गई। वहीं चालक झटका लगने से बाहर जा गिरा। चालक के बनेड़ा सीएससी में उपचार के दौरान मौत हो गई। शव को मोर्चरी में शिफ्ट करवा दिया गया। बनेड़ा थाना प्रभारी हीरालाल ने बताया कि कंकोलिया लसाड़िया सड़क का कार्य चल रहा है। रविवार सुबह सड़क निर्माण कार्य पर लगा डंपर गिट्टी भरकर लसाड़िया के पास पहुंचा। गिट्टी खाली करने के दौरान डंपर ऊपर से निकल रही हाई टेंशन लाइन को छू गया। इसके चलते डंपर में करंट फैल गया। मेजा मांडल निवासी चालक राजनाथ 40 वर्षीय पुत्र लहरू कालबेलिया करंट के झटके से उछलकर डंपर से बाहर जा गिरा। वहीं डंपर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। तुरंत फुरत में चालक को रागिरों की मदद से सीएससी बनेड़ा ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से डंपर में लगी आग पर काबू पाया। इससे पहले ही डंपर पूरी तरह जल गया। जिला विशेष टीम व बेगू थाना पुलिस ने क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 256 किलोग्राम 100 ग्राम अवैध डोडा चूरा सहित XL6 कार को जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि समस्त थाना अधिकारियों व जिला विशेष टीम को अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने हेतु विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। बस्सी फतेहपुर की तरफ से आती हुई एक सफेद रंग की XL6 कार पुलिस टीम को नाकाबंदी करते हुए देखकर चालक नाकाबंदी तोड़कर गाड़ी को तेज गति से भगाकर ले गया, जिसका पुलिस टीम ने पीछा किया। पुलिस टीम को लगातार पीछा करते हुए देखकर चालक व उसके साथी ने गाड़ी को हाईवे के किनारे पर रोककर भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम ने चालक के साथी को बड़ी मुश्किल से पकड़ा। वहीं चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो 17 कट्टों में भरा हुआ 256 किलोग्राम 100 ग्राम अवैध डोडा चूरा मिला। पुलिस ने अवैध डोडा चूरा व कार को जब्त कर चालक के साथी श्रीगंगानगर जिले के रघुनाथपुरा निवासी मनीष पुत्र रामलाल नाई को गिरफ्तार व चालक बीकानेर जिले के नौखा निवासी नेमाराम जाट को नामजद कर लिया है। शहर में 19 केंद्रों पर पीटीईटी परीक्षा संपन्न हुई। जिला समन्वयक डॉ. राजकुमार चतुर्वेदी ने बताया कि पीटीईटी परीक्षा एक सत्र में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चली। परीक्षा में जिले से 8000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जिला कोषाधिकारी के सहयोग से 3 प्रशासनिक अधिकारियों के पर्यवेक्षण में 3 पुलिस उड़न दस्ते का गठन किया गया। परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस एवं स्मार्ट वॉच आदि पर प्रतिबंध रहा। सेठ मुरलीधर मानसिंगा राजकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. सावन कुमार जांगिर ने बताया कि हमारे सेंटर पर पीटीईटी के 600 अभ्यर्थी ने एग्जाम दिया। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक। सेलस मेडिकेयर, चिकित्सा सुविधाएं आपके द्वार। गंभीर बीमार की घर पर आईसीयू नर्सिंग केयर। बुजुर्गों एवं बीमारों की सेवा के लिए सहायक कर्मी, डॉक्टर ऑन कॉल, नर्सिंग चिकित्सा ऑन कॉल। बीमार व्यक्ति के लिए घर पर हॉस्पिटल, पलंग, व्हील चेयर, ऑक्सीजन एवं अन्य चिकित्सकीय उपकरण किराए पर उपलब्ध। ब्लड एवं यूरिन सैंपल कलेक्शन पर उपलब्ध। घर पर फिजियोथेरेपी एवं रिहेबिलिटेशन। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप प्रोग्राम। हेल्पलाइन नंबर 7665006808। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। चित्तौड़गढ़ में विभिन्न संगठनों की ओर से वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 484वीं जयंती के अवसर पर उनको याद किया।
प्रताप सर्किल पर अश्व विराजित महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर विभिन्न संगठनों की ओर से पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रबान सिंह आकिया भी मौजूद रहे। महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर दीपक प्रज्वलित कर उनको याद किया गया तथा अश्व विराजित विशाल प्रतिमा पर कई संगठनों के पदाधिकारी ने पुष्पांजलि देकर महाराणा प्रताप को याद किया। इस अवसर पर शहीद स्थल पर शहीदों को भी पुष्पांजलि देकर उनको याद किया गया। इस अवसर पर विधायक चंद्रबान सिंह आकिया ने कहा कि महाराणा प्रताप प्रातस्मरणीय है, मेवाड़ उनके योगदान को भुला नहीं सकता, उनकी वीरता का लोहा पूरे विश्व ने माना है। इस अवसर पर इतिहासकार एएल जैन ने कहा कि महाराणा प्रताप ने सभी सर्व समाज को साथ लेकर मुगलों को लोहे के चने चबाए, तो वहीं इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश नाहट ने कहा कि महाराणा प्रताप विश्व के योद्धा हैं, आज उनकी जयंती है, उनके योगदान को भुला नहीं सकते तथा उनको हर समाज पुष्पांजलि अर्पित कर रहा है। हम सब लोगों का जन्म इस कर्म भूमि पर हुआ है, इससे बड़ा सौभाग्य हम लोगों के लिए हो नहीं सकता है और इस कार्यक्रम को अपन श्रद्धांजलि के रूप में हर साल मनाते हैं। पर इस कार्यक्रम को आने वाले दिनों में, क्योंकि शहर के भी सभी वरिष्ठ जन ब्याज रहे हैं, इस कार्यक्रम को भव्य कैसे कर सकते हैं उसके बारे में आप सब लोग इसको कार्यक्रम बनाएं और आने वाले दिनों में अगले साल इस कार्यक्रम को हम सब मिलकर भव्य कार्यक्रम करें, अच्छा आयोजन हो, शहरवासियों के लिए अच्छा एक सम्मेलन सा हो और सम्मेलन करके एक बड़ा आयोजन करें, इस प्रकार का आयोजन हम सब लोग मिलकर करने की कोशिश करेंगे। जिसकी ख्याति हम सबको इज्जत मिलती है उस शख्सियत के नाम पर, प्रताप के नाम पर पूरी दुनिया जानती है कि चित्तौड़गढ़ के बाशिंदे माने उस वीर के सपूत के ये लोग वो हैं, धरोहर हैं ये लोग। तो ऐसी बड़ी शख्सियत इस जगह पर हुई कि जिनके बारे में जितना विचार करें लगता है वो क्या पर्सनालिटी थी उस समय पर, जिन्होंने उस समय पर सोशल इंजीनियरिंग की। कहते हैं कि भारत के अंदर से अगर राजस्थान और राजस्थान के अंदर से अगर चित्तौड़ निकाल लो तो कोई इतिहास ही नहीं बचता है भारत का, वो है महाराणा प्रताप का इतिहास। जो आतताई अकबर जिसको नाकोचमा जलाकर हराया, हल्दी घाटी युद्ध सिर्फ और सिर्फ महाराणा प्रताप जीते, जिसकी सेना के अंदर सैनिकों ने तो युद्ध लड़ा पर वहां के जो राणा प्रताप के जो चेतक घोड़ा था और जो हाथी था वीर प्रसाद, उन्होंने भी स्वामी भक्ति दिखाई। तो जब जानवरों के अंदर भी स्वामी भक्ति थी तो आप सोच सकते हैं कि मनुष्यों में कितनी स्वामी भक्ति हो सकती है। किस प्रकार के आयोजन हो रहे हैं? ये आयोजन मानव प्रताप स्पोर्ट्स क्लब की ओर से महाराणा प्रताप को याद किया गया, आज यहाँ पुष्पांजलि देकर उनको याद किया गया कि जन जन के आराध्य हमारे प्रतिस्मरणीय वीर शिरोमणि एकलिंग दीवान महाराणा प्रताप को याद कर उन्हें उनके पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया गया। शाहपुरा में महाराणा प्रताप की जयंती बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ रविवार को मनाई गई। इस विशेष अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शिक्षा में इस दौरान निकली वाहन रैली और शोभा यात्रा मुख्य आकर्षण रहे। राजपूत छात्रावास में महाराणा प्रताप जयंती पर प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। धरती देवरा वाटिका से भव्य वाहन रैली निकाली गई जो बालाजी की छतरी से होते हुए एक विशाल शोभा यात्रा में परिवर्तित हो गई। शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए जिले के कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत, राज परिवार के सदस्य सहित कई प्रमुख जनप्रतिनिधि पैदल ही त्रिमूर्ति चौराहे तक पहुंचे। शोभा यात्रा में ऊंट सवार और पंजाबी बैंड ने भी अपनी प्रस्तुति दी, जिससे माहौल में और भी जोश और उत्साह भर गया। यह आयोजन पहली बार जिला मुख्यालय पर हुआ जिसमें राजपूत समाज के अलावा सर्व समाज के लोग भी भारी संख्या में शामिल हुए, जिससे एकता और समरसता का संदेश दिया गया। समारोह के दौरान विभिन्न वक्ताओं ने महाराणा प्रताप के जीवन और उनके संघर्षों पर प्रकाश डाला। वक्ताओं में शाहपुरा राज परिवार के जय सिंह, डॉक्टर सत्यनारायण कुमावत, परमेश्वर कुमावत, कन्हैयालाल धाकड़, नगर परिषद सभापति रघुनंदन सोनी, पार्षद हमीद खां कायम खानी, पूर्व प्रधान गजराज सिंह राणावत, खुमंतु समाज के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर लाल धाकड़, प्रेस क्लब महासचिव मूलचंद पेशवानी, आयोजन समिति के गजेंद्र सिंह राणावत और महेंद्र सिंह राणावत, कश्मीर के नरेंद्र सिंह चारण प्रमुख रहे। रमेश पेशवानी की रिपोर्ट। मर्दानी से हमारे कहा जाता है चित्तौड़ के लिए कि गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, ऐसे मेवाड़ जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। जय शिवा सरदार की। उद्घोष में
भीषण गर्मी के दौरान सरगु के ग्रामीण पेयजल के लिए परेशान हो रहे हैं। जिले के नाथड़ियास के पास स्थित सरगु में बीते 6 से 7 महीने से पानी नहीं मिलने के कारण लोग बेहाल हैं। एक ओर गर्मी का प्रभाव तो दूसरी ओर बड़ी मुश्किलों से पानी का इंतजाम करना पड़ रहा है। भेरी कंवर ने बताया कि हमारे गांव में करीबन आधे गांव में पानी आता है और आधे गांव में पानी की समस्या को लेकर कई परिवार दुखी है। लोगों ने बताया कि गांव में जो पाइपलाइन है वह बहुत दिनों से खराब है। घरेलू कामकाज तो छोड़ो, पीने का पानी भी पूरा नहीं मिल रहा है। लोगों को मजबूरन टैंकर से पानी मंगवाकर थोड़ा बहुत कुछ पानी भरते हैं और उसी से हमारा काम चला रहे हैं। लोगों ने कहा कि समस्या को लेकर कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराया गया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। ग्रामीण बालूराम, दुर्गा देवी, कैलाश देवी, कैलाश जोशी, रोशन सिंह, कैलाश कंवर, नंदलाल, रामी देवी, रमेश शर्मा, गीता देवी, नैनू सिंह, कमला देवी, मूली देवी, रमत सिंह, सुरेश सिंह, सुखा कंवर, सुरेश देवी, शंकर कंवर, ममता कंवर, अमर सिंह, भेरी कंवर, नारायण सिंह आदि ने पेयजल समस्या का तुरंत समाधान करने की मांग की। सांसारिक मोहमा त्याग कर 64 वर्षीय महाराष्ट्र निवासी प्रकाश भाई ने आसीन में भगवती जैन दीक्षा ग्रहण की और सांसारिक जीवन का नाम प्रकाश बदलकर प्रशांत मुनि बन गए। इस मौके पर उनका वर घोड़ा आसीन में निकला गया, जिसमें शक्कर जैन समाज सहित आसपास के क्षेत्र के बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाएं मौजूद रही। उन्हें आसीन कस्बे के वर्धमान स्थानक जैन श्रावक संघ के महावीर भवन में दीक्षा समारोह में उन्हें भगवती दीक्षा दी गई। श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा संस्था की नवगठित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आरसी व्यास कॉलोनी स्थित भिक्षु विहार में साध्वी कीर्ति लताजी ठाणा 4 के सानिध्य में परिसंपन्न हुआ। मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र कोठारी ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ साध्वी श्री कीर्ति लता द्वारा नवकार महामंत्र के उच्चारण से हुआ, जिसमें भिक्षु भजन मंडली द्वारा मंगलाचरण गीत का संगान किया गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष जसराज चौरड़िया ने सभी का स्वागत किया। राज्य सरकार के निर्देशों के बावजूद बनेड़ा ग्राम पंचायत की लापरवाही से मूक पशु पीने के पानी के लिए भटक रहे हैं। इसके चलते समाज सेवी संगठन अपना संस्थान ने उपखंड कार्यालय के बाहर बनी पो की सुध लेते हुए उसकी साफ सफाई कर पानी भरवाया। संस्थान से जुड़े लोगों ने बताया कि महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर संस्थान में पर्यावरण के प्रति सजग रहने वाले लोगों ने मिलकर अपना सहयोग दिया और पो की सफाई कराई। इस संबंध में पंचायत को कहा गया, लेकिन पंचायत ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। क्षेत्रीय पंच से भी शिकायत की गई, तब पंचायत तैयार नहीं हुई तो संस्था के नीरज जैन, सोहनलाल बैरवा, सत्यनारायण शर्मा, फिरूलाल लक्षकार, मुरली मनोहर व्यास आदि ने प्याऊ की साफ सफाई कर पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था की। श्री शेष अवतार कल्ला जी वेदपीठ एवं शोध संस्थान के सहयोग से विशाल आध्यात्मिक कल्याण पदयात्रा निम्बाड़ा से चित्तौड़गढ़ पहुंची। रेड कार्पेट पर निकली आध्यात्मिक पदयात्रा में सवेरे 4 बजे हजारों श्रद्धालु रवाना हुए। मार्ग में जगह जगह स्वागत किया गया तथा रथ की पूजा की गई। लगभग 35 किलोमीटर की पैदल यात्रा सम्पन्न हुई। चित्तौड़गढ़ में निम्बाड़ा में कल्याण महाकुंभ 22 जून से 29 जून तक आयोजित होगा, जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेंगे। इसको लेकर यह यात्रा चित्तौड़गढ़ पहुंची। महाराणा प्रताप जयंती पर महाराणा प्रताप को पुष्पांजलि अर्पित की गई। शोभायात्रा दुर्ग के पारण पोल पहुंची, जहां पर दुर्ग के चरणों की पूजा की गई तथा हुतात्माओं को याद किया गया, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही वीर वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि के साथ ही कल्ला राठौड़ के स्थान पर उनका पूजन अर्चन कर उनको महाकुंभ के लिए निमंत्रित किया गया। इस यात्रा में कई बटुक भी शामिल रहे। 19वें कल्याण महाकुंभ के पावन अवसर पर आज रविवार के दिन जय शुक्ला तृतीया को निम्बाड़ा कल्याण नगरी से लेकर के चित्तौड़ दुर्ग तक की पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा में हजारों श्रद्धालु
न केवल कल्याण नगरी बल्कि आसपास के गांवों से भी शामिल हुए। सभी पदयात्रियों का हर 500 मीटर पर क्षेत्रवासियों ने, मार्ग में जो लोग भी थे, सभी धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों द्वारा व्यापक स्तर पर स्वागत किया गया। रथ की जगह जगह पूजा अर्चना की गई। रथ के चित्तौड़गढ़ आगमन पर प्रताप पार्क में वेदपीठ की ओर से महाराणा प्रताप की पूजा की गई और सभी पदयात्रियों का स्वागत किया गया। यहाँ से शोभा यात्रा के रूप में पूरे शहर में निकाली गई। यह शोभा यात्रा सदर बाजार होते हुए पाटन पुल पहुंची, जहां दुर्गराज की चरण पूजा की गई। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप भी बने सिटी रिपोर्टर। अपने शहर, कस्बे, गांव और वार्ड की समस्या, घटना, दुर्घटना व सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों की जानकारी वीडियो और फोटो के साथ तत्काल भेजें। मोबाइल नंबर 7737474155 पर तथा ईमेल आईडी philwarahalchal@gmail.com पर। भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप, कलेक्ट्रेट के पास नई शाम की सब्जी मंडी भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9413376078, 6377364129। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। चित्तौड़गढ़ के इंदिरा गांधी स्टेडियम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता प्रतापगढ़, भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ जिले के गांव-गांव से कार्यकर्ता पहुंचे तथा वाहन रैली निकाली गई। अलग अलग ग्रुप में यह वाहन रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इंदिरा गांधी स्टेडियम से रैली रवाना हुई तथा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए दुर्ग सहित फतेह प्रकाश महल प्रांगण में पहुंची, जहां पर आयोजन रखा गया, जिसमें कई संतों के साथ जिला कलेक्टर आलोक रंजन एवं आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक तथा राष्ट्रीय चिंतक इंद्रेश कुमार अतिथि के रूप में मौजूद रहे। रैली का मार्ग में कई संगठनों द्वारा पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया। जन जन के महाराणा प्रताप बने, इस उद्देश्य को लेकर प्रताप जयंती पर यह विशाल आयोजन आयोजित किया गया। राजेश जोशी की रिपोर्ट। विद्या भारती शिक्षा संस्थान के तत्वावधान में भिलवाड़ा जिले के आचार्य अभ्यास वर्ग के दूसरे दिन मुख्य अतिथि पूनम चंद्र राठौड़ रहे कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए राठौड़ ने विषय आदर्श आचार्य की संकल्पना कर अपने विचार रखते हुए कहा कि आपने जिस क्षेत्र को चुना है उसमें आप सभी पारंगत हों। हमें जहां कहीं भी कुछ सीखने को मिले वो हमारे लिए गुरु है। जीभ का आभूषण विनम्रता है, जो कि मधुर वाणी से ही महकती है। गुरु का पद श्रेष्ठ बताया है। साथ ही सचिन तेंदुलकर, नरेंद्र मोदी के उदाहरण देकर गुरु के महत्व को पूर्ण रूप से समझाया। विद्यार्थी व्यक्तित्व विकास में शिक्षक का भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कार्यक्रम का संचालन गणपत सिंह ने किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि लादूलाल सिरवी, जिला सचिव विद्या भारती चित्तौड़, देवराज सिंह राणावत, जिला सचिव भिलवाड़ा विद्या भारती शिक्षा संस्थान, दुर्गालाल जांगिड़ सह जिला सचिव भिलवाड़ा विद्या भारती शिक्षा संस्थान मौजूद रहे। मारू भांवी विकास सेवा संस्थान भिलवाड़ा की मुखर्जी पार्क में बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई, जिसमें चतुर्थ प्रतिभा सम्मान समारोह एवं युवक युवती परिचय सम्मेलन के साथ रक्तदान शिविर और विवाह सम्मेलन को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक में नवीन कार्य समितियों का गठन करके पदाधिकारियों को दायित्व सौंपा गया। अध्यक्ष कन्हैयालाल पवार ने बताया कि 23 जून को हरणी महादेव स्थित सोनी धर्मशाला में चतुर्थ प्रतिभा सम्मान समारोह एवं युवक युवती परिचय सम्मेलन के आयोजन को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आयोजन को लेकर व्यवस्था पर चर्चा करते हुए पदाधिकारियों को कार्यभार की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके साथ आगामी दिनों में रक्तदान शिविर और सामूहिक विवाह सम्मेलन को लेकर प्रस्ताव बनाया गया। लोग हैं, प्रतिभा लोग हैं, खेल में, शिक्षा में या नवनियुक्त जितने भी हैं, उन सबका संस्थान की तरफ से सम्मान किया जाएगा और जितने भी भामाशाह है और उन सबका भी संस्थान की तरफ से सम्मान किया जाएगा। तो अधिक से अधिक संख्या में जितने भी हमारे समाजजन हैं, जितने भी हैं, वो सभी अधिक से अधिक संख्या में सारे बच्चों को, जब भी प्रतिभावान बच्चों को, उनको साथ में लेकर के अभिभावक उनको साथ में लेकर के आवे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।